टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के खिलाड़ियों ने देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ओलंपिक में भाग ले रही भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को बेहतरीन हॉकी के खेल का प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 5-4 के अंतर से मात दे दी और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। भारतीय हॉकी टीम की जीत की खबर आने के बाद से बधाई देने के साथ जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले के रीजनल स्टेडियम में हॉकी प्रेमियों और खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और भारतीय हॉकी टीम को जीत की बधाई दी। इस अवसर पर हॉकी खिलाड़ी शैल गुप्ता और मोहम्मद दानिश ने भारतीय हॉकी टीम की जीत पर कहा कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है जो इतने सालों बाद हमारी टीम ने मेडल जीता है। खिलाड़ियों ने शुक्रवार को होने वाली महिलाओं की हॉकी टीम के खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए हॉकी खिलाड़ी शैल गुप्ता और मोहम्मद दानिश ने कहा। शायर गुप्ता आदि 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल पाया है, क्या कहें, कितना खुशी की बात है? बहुत खुशी की बात है और बहुत दिल से दुआ कर रहे थे कि भैया लोग जीत जाएं और कल दीदी लोग का मैच है और आज ब्रॉन्ज मेडल आया है, कुश्ती में सिल्वर आया है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और कोशिश करेंगे कि दीदी लोग भी जीत जाए और अगले बार से मतलब ये रहेगा कि मैं भी जाऊं इंडिया टीम में और अच्छा परफॉर्मेंस रहे वहां पे। मोहम्मद दानिश, आज 41 साल भारत ने मेडल जीता है, कितनी खुशी की बात है? हम लोग के लिए सर बहुत खुशी की बात है, 41 साल बाद इंडिया ने ब्रॉन्ज लाई है और कल दीदी लोग का मैच है, जा रहे हैं वो भी लोग जीते हैं और कुश्ती वाले सिल्वर लाए हैं, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। ली मैं भी चाहता हूँ कि जाके इंडिया खेलूँ, गोल्ड लाऊँ।